मनोहरपुर में गुटखा तंबाकू उत्पाद बेचते दो गिरफ्तार। हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार वर्मा की रिपोर्ट। 45,000 रुपए के गुटखा तंबाकू उत्पाद जब्त। मनोहरपुर थाना पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान गुटखा तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 45,000 रुपए के तंबाकू उत्पाद जब्त किए हैं। थाना प्रभारी रामस्वरूप बैरवा ने बताया कि कई दिनों से कस्बे में तंबाकू उत्पादों की कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने सब्जी मंडी स्थित एक दुकान पर दबिश देकर विभिन्न प्रकार के तंबाकू उत्पाद जब्त किए हैं। इस मामले में रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे मामले में वामनदेव मोहल्ले में दबिश देकर केशव कुमार से तंबाकू उत्पाद जब्त कर गिरफ्तार किया है। आज कस्बा मनोहरपुर में लॉकडाउन की पालना करते हुए कस्बे के दो व्यापारियों को लॉकडाउन के तहत अवैध गुटखा व सिगरेट धूम्रपान के संबंध में कार्रवाई की जाकर दो मामले पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति रविंद्र कुमार महाजन से गुटखा सिगरेट आदि जब्त की गई है तथा दूसरे व्यक्ति केशव कुमार शर्मा से भी उसकी सरस डेयरी बूथ से गुटखा आदि जब्त कर दोनों के खिलाफ अलग अलग जब्त किए गए हैं। ऐसी वर्तमान में फैली महामारी के संबंध में ये लोग ऐसी अवैध चीज़ों पर जिस पर सरकार की रोक है और उसके बावजूद भी ये उससे बेखबर होकर बेच रहे हैं, जो कि ये ऐसी महामारी में चिंताजनक है और ऐसे कृत्रिम लोगों को नहीं करने चाहिए कि जो आम जनता से विश्वास से जुड़ा है, और ऐसे में इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी भी व्यापारी को इस तरह के बेचान की अनुमति नहीं है और उनके खिलाफ सख्त